यहाँ पर एक पार्ट टूटा हुआ था उसका, तो स्कूल दूसरी स्कूटी खड़ी हुई थी, मैंने कहा येलो वाली में से निकाल लो, तो येलो वाली ले लो, मैंने कहा येलो लेनी नहीं मेरे को, यही लेनी है, इसलिए मैं इतना 20 किलोमीटर दूर आया हूँ पर्टिकुलर इस कलर के लिए। तो गाइज मिल रहे हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब से आई है उसके बाद गला खराब हो गया, अभी ठंडा ठंडा लस्सी पी है, तो सेल्फ नहीं लगाया तब से अब तक, अब लगा रहे हैं। अरे वाह, स्टार्ट कैसे नहीं होगी गाड़ी अपनी। ऐसे कैसे स्टार्ट नहीं होगी, स्टार्ट तो होना पड़ेगा इसको। ये हमारा बच्चा टाइसन बच्चा, तो अभी हम जा रहे हैं, अब कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये थोड़ा रास्ते में आपको बताते हैं डिटेल्ड में। अब जैक लगाने का टाइम नहीं है, पंचर देखना रह गया था, बट शुक्र है कि बाहर जाने से पहले पंचर का पता चल गया। हवा भरते हैं फिर चलते हैं अपना आगे, भर तो रही है हवा। गर्मी ने गाइस बहुत बुरा हाल कर रखा है, अभी आए हैं लगभग वसंत कुंज 20 किलोमीटर दूर घर से। चारों टायर में हवा कम थी, इसमें प्रेशर जीरो था, स्टेपनी में 33 था और रियर राइट में 16 था और बाकी आगे दोनों में 33 था। और अभी हम आए हैं हीरो के शोरूम में, एक्चुअली ये क्या है, एक्सीडेंटल परचेज है। अचानक से मूड बन गया और आगे लेने के लिए अंदर जाके बात करी जाए थोड़ा सा। ये वाला पर्टिकुलर मॉल है ना परचेसिंग, पंडित जी वीडियो बनाना। मैडम जल्दी चाबी लाओ। मैडम बैग में बता लो ऐसे कैसे चलेगा। सर बैग नहीं है। बैग घर में लेके जाना। ये इसी का? अरे वाह बहुत। इस पे तुम चलो, इस पे तुम चल रहे सर्विस बुक वगैरह बिल वगैरह ले लिया सब है। तो गाइस फर्स्ट सेल्फ मार दिया, गाड़ी अपनी वो खड़ी, गाड़ी भाई लेके आ रहा है और मैं इसको लेके चल रहा हूँ। और फिर दोबारा थर्ड टाइम मेस्ट्रो एज अपने घर में आ रही है और ये कनेक्टेड है पर्पल कलर में और बहुत प्यारी गाड़ी है। 6 बजे हम शायद घर से निकले थे, 7 बजे 7:15 बजे यहाँ पर आए हैं और अभी 9:15 हो रहे हैं और इतना टाइम लग गया, 3 घंटे लग गए अपने को करते करते। अब डायरेक्ट माधीपुर मंदिर जाऊँगा और उसके बाद सीधा अपना घर, पूजा वगैरह। ओके थैंक यू मैडम। मैडम भी ऐसी थी, मैडम सल्यूट मार रही है। बहुत लेट हो गए, मेरे ख्याल ब्लॉग काफ़ी छोटा बनेगा, बट अभी देखो इसमें पेट्रोल है ही नहीं बिल्कुल भी। अब देखते पेट्रोल पंप कहाँ मिलेगा। अब सीधा चलते हैं यू टर्न मार के और घर की तरफ रुख करते हैं इसका। और ये इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह सारी चीज़ें हैं इस स्कूटी में। लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है, बट अभी पहुँचता हूँ घर पे, उसके बाद आपसे कनेक्ट करते हैं। अंकल फुल कर दो। लो जी परचेसिंग के बाद फर्स्ट फिलिंग, फुल कर दो अंकल नॉर्मल, एक पे लॉक कर देना जीरो। हाँ जी क्या हो गया,
बस रहन दो 439। चलो जी हो गए टंकी फुल। कभी को 235 रुपए की टंकी फुल होती थी इसकी, आज 439 रुपए। यार टंकी फुल कर दी इसकी, गेज में दिखाई नहीं रहा इसकी गेज, ये देखो पेट्रोल टंकी फुल कर दी और गेज में बिल्कुल इको दिखा रहा है, बिल्कुल जीरो अभी भी। चलो देखते हैं आगे क्या होता है, फिलहाल आगे चलते हैं। ऑलमोस्ट 9:30 हो चुके हैं, मंदिर एनी टाइम बंद हो सकता है या हो गया होगा। आज बाबा के दर्शन किए बिना रात का भोजन करना पड़ेगा। चलो ये गाड़ी अपनी इसी पे आए थे, चलो आगे चला जाए। अब सीधा मंदिर में पहुंच के आपसे वार्तालाप करते हैं। और इसमें क्या है, मैंने एसेसरीज भी अभी लगी लगाई ले ली, 3000 की दे रहे थे, मैंने 1900 रुपये में एसेसरी ले ली मरगाड की। आगे का जो आपका मरगाड होता है वो, उसका कवर, साइड की ग्रिल, पीछे की ग्रिल और साइड का जो लेडीज़ वाला फुट स्टेप होता है वो भी सारा का सारा। बाकी आपको बाद में कहानी बताते हैं। ये अपना बीस्ट जाते हुए, मतलब कि गाइस कुछ और मिला नहीं, एक्सीडेंटल परचेज है। 2-3 दिन से चूल मच रही थी कि लेनी है लेनी है, पापा भी कह रहे थे छोटे मोटे काम हो जाएंगे, मेरे को भी लग रहा था छोटे मोटे काम हो जाएंगे। अब कहाँ कहाँ बाइक को लेके घूमता रहता है इधर उधर। मैं कहा चल यार लेनी है, तो अब ये क्या मेरे घर के नियर बाय शोरूम के पास ये कलर मेरे को अवेलेबल नहीं मिल रहा था, पर्पल कलर, ब्लैक कलर टच जो है ये मेरे को मिला मेरे घर से दूर 20 किलोमीटर दूर वसंत कुंज में। मेरा क्या था, मैंने सीधा फ़ोन मिलाया, मगर जी लेनी है स्कूटी, आ गया। 6 बजे घर से निकला, 7 बजे यहाँ पहुँचा, 9 बजे यहाँ से 9:15 बजे डिलीवरी लिए, पेट्रोल डला के वापसी जा रहा हूँ। कुछ नहीं, चूल मची 2-3 दिन पहले, मैं कहा लेनी है तो लेनी है। काफ़ी टाइम से सोच रहा था पेट्रोल लूँ या बैटरी वाली लूँ, फिर बैटरी वाली में लंबा मैं जा नहीं सकता था, तो इस वजह से मैंने कहा चल यार यही ले लिया जाए, तो मैंने उठा के यही लेके आ गया पेट्रोल वाली। अब इससे है ना मैं कितना ही दूर जा सकता हूँ, कितनी छोटी और कितनी लंबी जर्नी कर सकता हूँ, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है इस चीज़ से, बढ़िया ओवरऑल। और इसमें सिटिंग पोस्चर भी काफ़ी अच्छा है, इसमें जो रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं बैक बोन जो है अपनी बिल्कुल स्ट्रेट है, और एक्सपीरियंस अभी तक ओवरऑल ठीक है, बट बाकी डिटेल्ड में मैं आपको बाद में दिखाऊंगा और बताऊंगा। 10 बजे गाइस मैं मंदिर पहुंचा, और मेरे को लगा शायद जब मैं वहाँ से निकला 9:15 बजे शोरूम से, मुझे लगा मंदिर बंद हो जाएगा आज, स्कूटी परचेसिंग के चक्कर में बाबा के दर्शन नहीं होंगे, जबकि मैं दिल्ली में हूँ। मैं कह यार दिक्कत हो जाएगी, मेरे को टेंशन सी बन गई, लेकिन मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, अपना एक अपना बेस्ट परफॉर्म जरूर करेंगे। और 10 बजे लगभग मंदिर पहुंचा, फिर मैंने कहा यार मंदिर तो खुला है, मैं कहा फिर मेरे को अचानक से याद आया यार सावन चल रहे हैं, पक्का कह रहा हूँ मैं, सावन चल रहे हैं, सावन की वजह से मंदिर खुला था, अदरवाइज अगर सावन नहीं होता तो मंदिर बंद हो गया होता। और मेरे घर के पास जो मंदिर है जहाँ पर मैं हमेशा अपने 2-व्हीलर 4-व्हीलर की पूजा करवाता हूँ, वो मंदिर बंद हो गया। वेरी गुड, अब क्या करेंगे पूजा के लिए, अब पूजा के लिए अपने पास सेकंड अल्टरनेटिव है। उससे पहले मैंने ये सामान ले लिया, ये माला है और अपना एक चुन्नी है माता की, और बस एक प्रसाद लेना है, 2 नींबू लेने हैं। हमारे घर पे एक टेनेंट है पंडित जी, एक दूसरे टेनेंट थे जो चले गए हैं, तो जो भी हैं उनको हम बुला लेंगे और पूजा की विधि को घर में ही संपन्न कराएंगे। अब लेट हो गए तो गाइस क्या करें, समय ही नहीं बचा। मंदिर अपने घर के नियर बाय, छोटे मंदिर जल्दी बंद हो जाते हैं भाई, पंडित जी हैं उनको भी अपना काम करना पड़ता है, घर का है, फैमिली है या पर्सनल कुकिंग वगैरह करनी है, बहुत चीज़ें होती हैं उनकी लाइफ में भी। बट अभी मैं आपको बताऊँ, इसकी लाइट जो है ना छोटी सी है, साइज़ दिखने में छोटी है, बट जो इसके लो बीम है वो शायद इसके HID या प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर है, तो उसकी थ्रो तो काफ़ी अच्छा है, बट जब हाई बीम कर रहा हूँ ना तो हाई बीम है ना इसकी ऊपर जा रही है, ये देखो दिखाता हूँ आपको मैं, हाई बीम इसकी ऊपर जा रही है, और जबकि है ना लाइट का जो आप पोजीशन देखोगे वो डाउन है, ठीक है थ्रो इसका दूर होना चाहिए बट थ्रो इसका है ना ऊपर की तरफ दिखा रहा है, तो वो चीज़ मेरे को थोड़ा सा गलत लगा। बट स्कूटी यार बड़ी स्मूथ है, मैंने 100cc मेस्ट्रो चलाई, 110cc मैंने मेस्ट्रो H चलाई, अब 125cc मेस्ट्रो H चला रहा हूँ,
पिकअप काफ़ी अच्छा है, स्मूथ है, साउंड भी काफ़ी लेस है इसकी। और मैं आपको बता दूं, साउंड लेस होने के बाद काफ़ी साइलेंट है। और सीट मेरे को थोड़ी सी कुशनिंग मेरे को ठीक ठाक सी लगी, बट हमेशा की तरह मैं इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कराऊंगा। अपने एक ही बंदा है जहां मैं सारे काम कराता हूं, हाँ, अपना मनु भाई। तो फटाफट घर चलते हैं और वहां जाते हैं, इसकी पूजा को संपन्न कराते हैं। उससे पहले हमें प्रसाद भी लेना है। अगर मिठाई के तौर पे कह दे तो बात एक अलग है, बेटा वो मिठाई नहीं, वो प्रसाद में काउंट होगी। तो आज मंडे है। अब मैंने ये भी सोचा था कि यार मैं इसको है ना सैटरडे को अपने बर्थडे के दिन परचेस करूँगा, बट यार उस दिन मैं अपना ही शायद पर्सनल बिजी रहता, तो इसलिए मैंने ना सैटरडे का वेट नहीं किया। मैंने कहा यार आज ही कांड कर दो और इसको खरीद वरीद के कलेश ख़त्म करो, दो चार दिन जो छोटे बड़े काम होंगे वो भी निपटा लेंगे, और सैटरडे को कुछ खाना वगैरह लाना है, बाहर जाना है तो वो भी कर लेंगे। अभी मेरे को क्या है, मेरे को दिल्ली से बाहर जाना है, मेरी सेम डे ट्रिप है, 300 किलोमीटर जाना, 300 आना। तो ये सोच रहा हूँ कि मैं इसको स्कूटी पे करूँ या थार पे करूँ। स्कूटी पे इसलिए नहीं कर सकता कि लंबा रन है, अभी इसका इंजन वार्म हुआ नहीं है, वार्म अप हुआ नहीं है, वार्म अप की प्रोसेस में चल रहा है, तो मे भी शायद मैं को गाड़ी में ही जाना पड़े। बट मेरे दिमाग का कुछ नहीं कह सकते, मेरे को छूट उठेगी, मैं चला जाऊँगा, मेरे ऊपर कोई भरोसा नहीं करना। वह कंटेंट है, कंटेंट क्रिएट करना, और वो मैं करता रहूँगा, और अपना ऐसे ही प्यार बनाते रहना। आपने कश्मीर की जेन के सीरीज़ काफ़ी पसंद करी, अगर आपको ऐसे ही सीरीज़ पसंद आएगी तो मैं इस स्कूटी पे जा सकता हूँ जेएन के अगले साल। हाँ ठीक है, मैंने काफ़ी बुराई करी है रास्तों की, बट हाँ फिर भी यार जाना तो बनता है, एक बार टू व्हीलर पे भी जाएंगे ज़रूर, डेफिनेटली। तो अब सीधा पहले मिठाई लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं पूजा की विधि पर। तो फाइनली अपने मोहल्ले में आ गए हैं, 10:45 हो रहे हैं, और स्कूटी का मैंने आपको बताया था इसका फ्यूल का काम नहीं कर रहा, और ये फ्यूल इंडिकेशन इसका जल रहा है। और पूजा अभी होगी नहीं क्योंकि अभी पंडित जी ने मना कर दिया, मुहूर्त वगैरह है नहीं। तो मिठाई भी ले ली मैंने और नींबू भी ले लिया, और अब जो भी होगा, अब कल सुबह 6:30 पूजा होगी, या तो नहीं तो फिर अपने उसी बसई वाले मंदिर में करवाएंगे जहाँ पर मैं हमेशा करवाता हूँ। अब इसको अंदर ले जाके चुपचाप खड़ी करके इसको सुला देते हैं। तो हमारी न्यू स्कूटी की फर्स्ट एंट्री है अपने घर में, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे इसकी। लॉजी आ तो गए, इस टाइम अभी कोई है भी नहीं, चुपचाप से खड़ी करो, वो अंदर कमरा दिख रहा है, मैं ही खड़ी कराऊंगा। अभी देखना अगले व्लॉग में इसकी है ना कितने कॉन्स निकालूंगा, प्रोस तो है नहीं, कॉन्स निकालूंगा। ये देखो टाइसन भी देखो कैसे कॉन्ग्रेच कर रहा है। इसकी बवासीर देखना कितनी सारी निकालूंगा इसमें है ना। यहाँ पर हैंड ब्रेक होती थी, मेरे सेकंड वाले जनरेशन में थी, इसमें से हटा दी, और मेरे को इतनी अच्छी लगती थी वो हैंड ब्रेक कि मज़ा आ रहा था। ये देखो ये शुरू हो गया और ये खड़ी है। एक सेकंड आया, फिर छोटा सा वॉक अराउंड ले लो। अभी देखना अगले ब्लॉग में इसमें क्या क्या कमियाँ हैं, वो सारी की सारी आपको गिनवाऊंगा इसमें, सारी की सारी खामियाँ। और अभी पता क्या था, मैंने कहा शोरूम में जाने से पहले कोई भी कमी हो ना मेरे को, मैं कह रहा हूँ चेंज कर दो, एक भी स्क्रैच होगा मैं लूँगा नहीं इसको। यहाँ पर एक पार्ट टूटा हुआ था उसका, तो स्कूल दूसरी स्कूटी खड़ी हुई थी, मैंने कहा येलो वाली में से निकाल लो, तो येलो वाली ले लो। मैंने कहा येलो लेनी नहीं मेरे को, यही लेनी है, इसलिए मैं इतना 20 किलोमीटर दूर आया हूँ पर्टिकुलर इस कलर के लिए। तो उन्होंने क्या करा, फटाफट दोनों स्कूटियाँ खोली और इसका पार्ट चेंज करके इसमें लगा दिया। अब इसको बंद करते हैं, आज के ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। तो आगे की स्टोरी अगले ब्लॉग में आपको डिटेल्ड में बता दूँगा। फिलहाल के लिए टिल देन बाय और गुड नाइट।